हनुमान जी हर भगवान से अलग क्यों दिखते हैं? उन्होंने बेटा अपना रूप ऐसा बनाया है, वो तो शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी को जब अवतार लेना था राम जी की सेवा के लिए, तो वो सोचे यदि मनुष्य रूप में आ जाएं, जैसे आपका रूप है, हमारा रूप है, तो हम लोग का नॉर्मल रूप है, पर हम लोगों को रोज सवेरे नहाना भी पड़ता है, ठीक, कपड़े भी ठीक ठाक पहनने पड़ते हैं, भोजन भी अपने को तरह तरीके का चाहिए। लेकिन शंकर जी सोचे यदि मैं बानर बन जाऊंगा तो दुनिया में इतने बंदर हैं, बंदर लोग अपने लिए घर नहीं बनाते ना, कहीं भी रह लेते हैं, उनको रसोई में दाल रोटी नहीं चाहिए, वो पत्ते खा के फल खा के कैसे भी रह लेंगे, वो ना भी स्नान करें तो भी चलेगा। तो बानर का देह इसलिए बनाए ताकि शरीर के जो जरूरी काम है ना बेटा, जैसे आप नहाते हैं, खाते हैं, सब काम करते हैं, तो उन कामों के लिए भी समय ना देना पड़े और सारा समय भगवान की सेवा में ही जाए, इसके लिए बानर की देह। दूसरा क्या है कि वानर का जो शरीर है बंदर का, वो मनुष्य से नीचा है। तो शंकर जी विचार किए, जब मेरे प्रभु नर अवतार लेंगे, मनुष्य बनेंगे, मैं भी मनुष्य बन गया तो स्वामी और सेवक की समानता हो जाएगी, तो मेरे प्रभु नर बनेंगे तो मैं वानर बनूंगा, उनसे नीचे रहूंगा, तो सेवा भी अधिक कर पाऊंगा। ये कारण है। दूसरा कारण है कि रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, तो उसमें कहा था, हम काहू के मर ही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे, मनुष्य और बंदर इन दो को छोड़ के मैं किसी से परास्त ना हूं। तो शंकर जी विचार किए कि भगवान तो नर बन गए, तो अब बानर और बनना है किसी को, क्योंकि मनुष्य और बानर इन दो से ही रावण परास्त होगा। तो रावण को पराजित करने के लिए भी शंकर जी ये हनुमान जी वाला रूप बना लिए। समझ में आया? तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया बेटिया ने।